स्वागत है आपका मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में। मैं हूं अरीबा खान। अररिया फॉरबीसगंज थाना क्षेत्र के परवाहा पंचायत के वार्ड नंबर 7 घिबाहा में विवाहेतर संबंध में पड़े एक प्रेमी युगल को कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में बरामद कर स्थानीय लोगों ने उन्हें निर्वस्त्र कर घुमाया। दोनों को रात भर जंजीर से पोल में बांधकर रखा गया और लोगों ने पंचायत आयोजित कर दोनों पर 21,000 रुपये जुर्माना लगाया। इतना ही नहीं, उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। आरोप है कि घटनास्थल पर पुलिस पहुंची मगर मूक दर्शक बनी रही। युवक दलित समुदाय से आता है और महिला आदिवासी है। वीडियो वायरल होते ही फॉरबीसगंज SDPO ने गांव में छापेमारी कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। ये प्रेम प्रसंग का मैटर था जिसमें से जो महिला है उसके पति और ये दोनों कारोबार बाहर में रख के करते थे लेबर का, और उसी में इन लोगों के बीच अंतरंगता बढ़ी और इसके पति बाहर गए हुए थे और इनका मित्र जो है वो आया हुआ था। उसी क्रम में आपत्तिजनक अवस्था में स्थानीय लोग के द्वारा पकड़ लिया गया था और पकड़ करके उनके साथ मारपीट की घटना की गई। साथ ही उनको जबरदस्ती नग्न कर करके और फोटो वगैरह लिया गया था। हम लोग को सूचना मिली, इसके बाद उन लोग स्थानीय लोग उसको बुला के उसके परिजन को जुर्माना भी किए, मारपीट भी किए। हम लोग को लेट से सूचना मिली इस चीज़ की, और जो परवाहक कैंप के पदाधिकारी वो भी गए थे, लेकिन वो लोग आक्रोशित थे आदिवासी लोग कि नहीं, हम लोग अपने स्तर से इसका समाधान करेंगे। लेकिन जब शाम हुआ और हम लोग को पता चला कि नहीं, उसके साथ महिला के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया गया है, उसके साथ भिन्न फोटो उसका जबरदस्ती लिया गया है, तो हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो लड़का फोटो बनाया जिनके द्वारा जबरदस्ती तानाशाह रवैया अपनाते हुए पैसा लिया गया था और पंचायती किया था, उसमें शामिल सभी लोगों को हम लोग गिरफ्तार कर लिए हैं और एक दो आदमी हैं जिनको हम लोग पहचान करके उसकी भी गिरफ्तारी आज हो जाए। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अब तक? हम लोग 8 आदमी गिरफ्तारी किए हैं। बढ़ते अपराध ने पूर्णिया शहर को थर्रा कर रख दिया है। बीते 48 घंटे में 4 हत्याओं से पूर्णिया सहम गया है। देर रात पूर्णिया सहायक खजांची थाना क्षेत्र के बाड़ीहाट में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। बाड़ीहाट के रहने वाले सन्नी के घर छठी का भोज चल रहा था। कुछ आसपास के नशेड़ी घर में घुसकर छत पर स्मैक करने लगे। सन्नी ने विरोध किया तो चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण है। रात से ही पुलिसिया महकमा छापेमारी में लगा है। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया जबकि अन्य फरार हैं। इधर खजांची थाने के मुख्य सड़क को जाम कर स्थानीय लोगों ने शव के साथ प्रदर्शन किया। कई बार आरोपी के घर घुसने का प्रयास भी किया गया लेकिन सब घर बंद करके फरार हैं। स्थिति सामान्य नहीं होते देख पूर्णिया SP दयाशंकर खुद से मौके पर पहुंचे। परिजनों को आश्वासन दिया कि 24 घंटे में अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। SP दयाशंकर ने मीडिया के माध्यम से अपील करते हुए अपना नंबर जारी किया और कहा है कि कोई भी नशे का कारोबार करता है तो सीधे मुझे शिकायत करें, उस पर कार्रवाई होगी। SP के समझाने के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को उठाया और रास्ते को खाली कराया गया। और सभी लोगों से हमने ये भी अपील की है कि आप लोग का सहयोग हमको अपेक्षित है अगर पूर्णिया को नशा मुक्त बनाना है तो। पुनः एक बार आप लोग के माध्यम से हम सभी पूर्णिया वासियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि मेरा नंबर 9431822998 है। आप लोग इस नंबर पर कभी भी किसी भी तरह के नशा संबंधित सूचना तत्काल शेयर करें, अविलंब कार्यवाही होगी। अगर आप लोग को लगता है कि किसी हमारे अधीनस्थ पदाधिकारियों की भी कोई संलिप्तता है, आप इस नंबर पर हमें तुरंत सूचित करें, अविलंब उस पर कार्रवाई होगी। पूर्णिया पहुंचे JDU के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अधिकारियों पर बड़ी बात कह दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अपने दौरे पर वो लोगों से मुलाकात कर समस्याओं को सुन रहे हैं। इन समस्याओं में जो सबसे बड़ी सामने आई है वो ये है कि अधिकारी किसी की भी नहीं सुनते हैं, यहाँ तक कि पार्टी के लोगों ने भी शिकायत की है। एक जो जनरल लोगों का है कि जो अधिकारी हैं, अधिकारी को जितना रिस्पॉन्स करना चाहिए जनता के कार्यों के प्रति उतना रिस्पॉन्स नहीं होता है, इसको हम स्वीकार करते हैं। लोगों ने जो कहा है सो हम बता रहे हैं। अब अधिकारियों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश को ग्रहण करना चाहिए। ऐसी चीज मुख्यमंत्री जी टॉलरेट करने वाले नहीं है। हमारी पार्टी के साथी भी कई जगह कहते हैं कि अधिकारी पार्टी के जो अधिकृत लोग ब्लॉक के अध्यक्ष हैं या और संगठन से जुड़े हैं
उनकी बात अधिकारियों को सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, जो जायज काम है उचित काम है करें, जो जायज काम नहीं है उसको मत करें, लेकिन सुनना तो पड़ेगा। तो कई जगह इस तरह की शिकायत मिलती है कि अधिकारी लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के बिहार मोड़ इलाके में सड़क किनारे एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक का नाम सपन व्यापारी बताया जाता है। वह इस्लामपुर ग्राम पंचायत के कमलापुर गांव का रहने वाला था। सोमवार की शाम वह अपने घर से निकला था और उसके बाद रात भर उसका कोई पता नहीं चला। रात में उसके परिजनों ने इस्लामपुर थाने जाकर इस बारे में पूछताछ भी की थी। उसके बाद मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे बिहार मोड़ के पास सड़क किनारे एक तालाब से उसका शव मिला। सूचना मिलते ही इस्लामपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उसे इस्लामपुर महकमा अस्पताल भेज दिया। अररिया में घर की एक छत पर सफाई करने गए मजदूर की छत के ऊपर से गुजर रहे 11,000 तार की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना फौरबीसगंज प्रखंड क्षेत्र से सटे किरकिचिया पंचायत के कठारा वार्ड संख्या 2 की है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सोमवार दोपहर 35 वर्षीय चंदन कुमार सफाई कर रहा था कि अचानक छत के ऊपर से गुजरने वाले 11,000 तार के संपर्क में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना फौरबीसगंज पुलिस को दी। सूचना मिलते ही फौरबीसगंज थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। मृतक चंदन अपने पीछे पत्नी अंजुलता और 3 बच्चों को छोड़ गए हैं। घटना के बाद मृतक के आवास पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अररिया नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के 8वें दिन मंगलवार को कार्यालय का घेराव कर मुख्य गेट को जाम कर दिया। कार्यालय घेराव की सूचना पर SDO शैलेश चंद्र दिवाकर पहुंचे, सफाई कर्मियों को समझा बुझा कर कार्यालय को घेराव से मुक्त कराया। कार्यालय घेराव के दौरान कार्यालय कर्मियों को लगभग 1 घंटे तक बाहर ही रुकना पड़ा। ज्ञात हो कि बीते सोमवार को नगर परिषद के मुख्य पार्षद रितेश कुमार राय ने 24 घंटे के अंदर कार्य पर वापस नहीं आने पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नई बहाली करने की बात बताई थी, जिसके कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे सफाई कर्मियों ने आक्रोशित होकर कार्यालय के मुख्य गेट के सामने धरना दिया। धरने पर बैठे सफाई कर्मियों ने कार्यपालक पदाधिकारी व मुख्य पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। SDO के कार्य मुक्त नहीं करने के आश्वासन पर सफाई कर्मियों ने मुख्य गेट से जाम हटाया। सफाई कर्मी यूनियन के उपाध्यक्ष दिलीप मेहतर ने कहा कि हम लोग अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर महासंघ के आह्वान पर राज्य भर में आंदोलन कर रहे हैं। जब तक राज्य स्तर पर हड़ताल समाप्त नहीं होगी, तब तक हम लोग हड़ताल पर ही डटे रहेंगे। किशनगंज टाउन थाना परिसर में विभिन्न कांडों में जब्त लगभग 1,757 लीटर विदेशी शराब और स्प्रिट को नष्ट किया गया। SDM शाहनवाज अहमद नियाजी के आदेश पर जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत प्रखंड कृषि पदाधिकारी अंसार अहमद रिजवी, थाना अध्यक्ष सतीश कुमार हिमांशु की निगरानी में JCP मशीन से गड्ढे में शराब की बोतलों को नष्ट कर जमीन दोस्त किया गया। जिले के अलग अलग 9 थानों से जब्त कुल 1,757 लीटर शराब के अलावा उत्पाद विभाग के द्वारा जब्त किए गए 891 लीटर देसी विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। वहीं मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने पुष्टि कर कहा कि शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिसके लिए आम आदमी को जागरूक होकर प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। कटिहार पुलिस ने एक ई रिक्शा चालक हत्याकांड के उद्भेदन का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक उसके अपने ही मित्र ने हत्या की साजिश रची थी। 4 सितंबर को मृतक मिथुन महतो को पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से लाकर बिहार के कटिहार अंतर्गत बलरामपुर थाना क्षेत्र के झलझली गांव समीप गोली मारी गई थी। हत्या के बाद वो मृतक का मोबाइल और ई रिक्शा लेकर पश्चिम बंगाल फरार हो गया था। गिरफ्तार छत्रो सिंह के द्वारा बताया गया कि टोटो लूटने के उद्देश्य से उनके द्वारा अपने ही मित्र और साथ में टोटो चलाने वाले मिथुन महतो को प्रलोभन देकर 9 बजे रात में 1 सितंबर को वे रंगा मटिया बारसोई थाना और झलझली के पास ले गए और वहां पर एक सुनसान स्थान देखकर गोली मारकर सर में उनकी मिथुन महतो की हत्या कर दी गई। इसमें मुख्य अभियुक्त छत्रो सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं, साथ ही एक अन्य अभियुक्त निमाई रजक भी गिरफ्तार किए गए हैं। एक अभियुक्त की तलाश जारी है। इस पूरे कांड में जो लूटा हुआ टोटो था वो बरामद कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त देसी पिस्तौल गोली बरामद की गई है। उसके बाद से एक लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद किया गया है, जिस पर वर्तमान में छत्रो सिंह ही अपना सिम लगाकर इस्तेमाल कर रहे थे।
कटिहार नगर निगम की बेरुखी से परेशान होकर गामी टोला मोहल्ले के लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान हाथों में तख्ती लेकर लोगों ने बताया कि गंदे नाले का पानी सड़क के साथ साथ घर में भी घुस जाता है, जिससे बेहद परेशानी होती है। लोगों ने कहा कि नगर निगम के आला अधिकारी बार बार सुधार कर देने का आश्वासन देते हैं, मगर जमीनी स्तर पर अब तक कोई काम नहीं हो पाया है, जिससे वे लोग भी काफी परेशान हैं। बिहार सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर राज्य में चलने वाली जुगाड़ गाड़ियों के परिचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती से पालन करते हुए एक बार फिर जुगाड़ गाड़ियों की धरपकड़ शुरू कर दी है, जिससे जुगाड़ गाड़ी चालकों ने मिर्चाईबारी में बलरामपुर विधायक महबूब आलम के नेतृत्व में जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जुगाड़ गाड़ी चालकों ने कहा कि कोरोना काल के दौरान वे बेरोजगार हो गए हैं, जिससे जीविका चलाने के लिए जुगाड़ गाड़ी चलाकर भरण पोषण करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्रशासनिक अधिकारियों ने धरपकड़ शुरू कर दी है, जिससे भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बलरामपुर विधायक ने इस मामले में कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि जहां सरकार रोजगार देने में सक्षम नहीं, वहीं रोजगार कर रहे लोगों को फिर से बेरोजगार बनाने में लगी है। ये देखिए, आप लोग जिस एंगल से बोल रहे हैं, मैं उस एंगल तक जाना नहीं चाहता। यकीनन ये जो सीमांचल का क्षेत्र है, इसमें कहीं कहीं जो एक वर्ग विशेष जो मुस्लिम प्रधान क्षेत्र हैं, और मुस्लिम प्रधान क्षेत्र होने के नाते यहाँ की बहुमत बहुल जो आबादी है, जो 80% गरीबी है, उसको झेलती है। मुसलमानों के बीच से ही फटीफटिया चालकों की संख्या बहुत है, इसलिए कहीं ना कहीं ये निशाना भी है। लेकिन अभी मैं इसको शिनाख्त नहीं करना चाहता हूँ, मैं इतना करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे भाई है, चाहे किसी भी धर्म विशेष के हो, उन्होंने जो फटफटिया चलाने का जो फैसला लिया है, ये तारीफ़ काबिल है। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसे भयावह हालात में, जबकि अपराध की संख्या बढ़ने की संभावना बनती है, बेरोजगार होकर के दलाली करने की संभावना बनती है, वैसे हालत में हमारा मजदूर भाई लोग फटफटिया चला करके हलाल की रोजी हासिल करके अपने बाल बच्चों की परवरिश करने के साथ साथ देश की सेवा में लगे हुए हैं। इन्हें पुरस्कृत करना होगा, किसी भी किस्म का जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। किशनगंज के माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में इलाजरत 65 वर्षीय रेप पीड़िता से मिलने जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष मुजाहिद आलम अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों से मिलकर पीड़ित बुजुर्ग महिला के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुजाहिद आलम ने पीड़िता के इलाज के लिए उनके परिजनों को जमीलुर रहमान महबूबा खातून मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से 10,000 रुपये का चेक प्रदान किया। साथ ही उन्होंने पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव मदद करने का वादा किया। इस मामले को लेकर मुजाहिद आलम ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर मामले की स्पीड ट्रायल चलाकर आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की मांग की है। गौरतलब हो कि 9 सितंबर 2021 को कोचाधामन थाना क्षेत्र अंतर्गत तेघरिया पंचायत के हरवा डांगा निवासी एक 65 वर्षीय महिला के रेप का मामला सामने आया था। आरोपित युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बिहार सरकार के गन्ना एवं विधि मंत्री सह कटिहार के प्रभारी मंत्री प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कटिहार विकास भवन के सभागार में बाढ़ से जुड़े नुकसान पर एक बैठक हुई। इसमें कटिहार सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी के अलावा कोढ़ा, प्राणपुर, कदवा, बरारी, बलरामपुर के विधायक मौजूद थे। सभी प्रतिनिधियों ने बाढ़ के दौरान अपने क्षेत्र में हुए नुकसान का बारी बारी से आंकड़ा पेश करते हुए कई सुझाव भी दिए। वहीं प्रभारी मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि बाढ़ के दौरान कटिहार जिला में प्रशासन द्वारा किए गए कार्य बेहद संतोषजनक हैं। जहां तक जीआर राशि का सवाल है, इस विषय पर जो भी शिकायतें आई हैं, अधिकारियों को इस बाबत इस पर सुधार करने का निर्देश दिया गया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूकता चलाने के लिए एक संस्था के माध्यम से कटिहार जिले को डिजिटल वाहन उपलब्ध करवाया गया है। LED स्क्रीन लगे इस वाहन को चेतना रथ के रूप में DM ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अगले 2 हफ्ते तक ये वाहन जिले के कोने कोने तक पहुंचकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करेंगे। DM ने कहा कि कटिहार में वैक्सीनेशन को लेकर स्थिति अब तक संतोषजनक है और समय समय पर महाअभियान के माध्यम से वैक्सीनेशन को और गति दी जाती है। इसके लिए जो भी जरूरी प्रचार है, वह इन माध्यमों से प्रभावी बनाया जा रहा है।
आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं मेराज खान, सैयद शादाब, रविंद्र यादव और तहसीन अली। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमसे @ मैं मीडिया हूँ के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं।